हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जसबीर कौर क्रिएशंस। आज मैं आपके सामने बिगनर्स के लिए वीडियो लेके आई हूँ क्रोशे की। पहली वीडियो में मैंने अपने पार्ट वन में आपको क्रोशे में सिंगल स्टिच कैसे लगाते हैं वो बताया था। आज मैं आपको डबल स्टिच कैसे लगाते हैं वो वीडियो में बताऊंगी। हमारी पार्ट वन की जो वीडियो है उसमें सिंगल स्टिच से रिलेटेड मैंने पार्ट टू बनाया था, जिसमें मैंने आपको सिंगल स्टिच से ही रिलेटेड एक पाउच बनाना सिखाया था। आज मैं आपको डबल स्टिच कैसे लेते हैं वो वीडियो बना के दिखा रही हूँ। ज्यादातर हमारा डबल स्टिच का ही यूज होता है क्रोशे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि डबल स्टिच कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हमने ये थ्रेड ले लिया है, इसको ऐसे पकड़ेंगे, देन ऐसे क्रॉस में रखेंगे। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सारी आपको बताई हुई है। आप चाहे तो मेरी पिछली वीडियो पार्ट वन जाके देख सकते हो। सेम हम ऐसी पहले वीडियो के जैसे मैं आपको बताऊंगी। ये मैं सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ, देन मैं उसके बाद आपको डबल स्टिच लगाना बताऊंगी। सबसे पहले ऐसे थ्रेड को क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ से ये थ्रेड को ऐसे पकड़ते हैं और इसके अंदर से ऐसे इसको बाहर निकाल लेते हैं। देन इसको हल्का सा टाइट कर लेते हैं और यहाँ से ये ऐसे बन जाता है। इसको स्लिप नॉट कहते हैं, क्योंकि ये हम अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसको लूज या टाइट भी कर सकते हैं। देन इसको मीडियम ऐसे लूज रखेंगे। जो हमारा ये वाला थ्रेड है इसको हम यहाँ पे अपने दोनों फिंगर्स के बीच में रखेंगे। सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। चेन बनाने के लिए क्रोशे का फेस अपनी साइड रखना है, थ्रेड को पीछे से आगे लेके आना है, देन इसके अंदर से ऐसे एक स्टिच रेडी कर लेना है। अगेन हम वैसे ही करेंगे, क्रोशे का फेस अपनी साइड रखेंगे, देन थ्रेड को आगे लेके आएंगे और इसके अंदर से ऐसे कर लेंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, क्रोशे का फेस अपनी साइड रखना है, थ्रेड को पीछे से आगे की साइड लेके आना है और ऐसे बाहर निकालना है। इसको चेन बोलते हैं। ये मैंने 3 चेन जो है बना ली है। मैं आपको सिखाने के लिए 10 चेन बनाऊंगी। 1, 2, 3 हो गई हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमें जो भी प्रोजेक्ट बनाना होता है उसके लिए जब हमें टर्न करना होता है तो हमें एक स्टिच जो है एक्स्ट्रा लेना होता है। अभी मैं आपको एक स्टिच जो है ये एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अभी हम स्टार्ट करेंगे कि डबल स्टिच कैसे लेते हैं। पहले हमने सिंगल स्टिच में क्या किया था, ये फर्स्ट वाला छोड़ दिया था, देन सेकंड वाले में से ऐसे लिया था और यहाँ से थ्रेड को आगे लेके यहाँ से ऐसे टर्न किया था। ये हमारे पास 2 आगे थे और 2 का ये हमने 1 कर दिया था। ये हमारा सिंगल स्टिच था, लेकिन अभी मैं आपको डबल स्टिच बताऊंगी कैसे लगाते हैं। तो डबल स्टिच के लिए अभी हम फिर से कैसे करेंगे, जैसे ये मैंने ये लिया है, ये मेरा एक एक्स्ट्रा है। डबल स्टिच के लिए ये थ्रेड को ऐसे पकड़ना है और इससे ऐसे घुमा के ऐसे रख लेना है। इस थ्रेड को ये वाली फिंगर से थोड़ा सा टाइट करके रखना है ऐसे। ये मैंने ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रख के देन ये वाली फिंगर जो है लिटिल फिंगर से यहाँ से टाइट कर लिया, देन ये वाली जो बड़ी फिंगर है यहाँ से ये ऐसे टाइट कर लिया और देन मैं अभी इसको ऐसे ये वाली फिंगर से मैं इसको ऐसे खींच के लूज या टाइट कर रही हूँ। देन अभी मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था, फर्स्ट वाला हम छोड़ देंगे, यहाँ से ये ऐसे लेंगे और फर्स्ट वाले में इंसर्ट करेंगे क्रोशे को,
देन अगेन इसका फेस अपनी साइड रखेंगे, थ्रेड को आगे लेके आएंगे और वन टाइम ऐसे निकाल लेंगे। फिर ये टू से हमने फिर से ऐसे निकालना है और फिर ये टू का वन बनाना है। मैं आपको अगेन बता देती हूँ फिर से, जैसे ये हमारे पास सिंगल स्टिच है, देन डबल स्टिच के लिए सबसे पहले थ्रेड को ऐसे रखना है, क्रोशिए के सामने ऐसे लेके आना है और इस वाली फिंगर से इसको ऐसे ये टाइट कर लेना है, देन ये चेन के अंदर से ऐसे इंसर्ट करना है क्रोशिए को और फिर से ये क्रोशिए का फेस अपनी साइड है, थ्रेड को ऐसे सामने लेके आना है, ये पहले एक बार निकालना है, उसके बाद ये हमारे तीन है, तीन के ये हम दो कर देंगे और दो का एक कर देंगे। अगेन ये सिंगल स्टिच बन गया। फिर से डबल स्टिच के लिए क्रोशे का फेस अपनी साइड रखना है, यहाँ से फ्रंट में लेके आना है, थ्रेड को ऐसे खींच के रखना है, चेन में इंसर्ट करना है और फिर से फ्रंट में लेके आना है वुलन को, देन पहले यहाँ से चेन में से निकालना है, उसके बाद ये टू का वन और फिर यहाँ से वन। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से ऐसे चेन में इंसर्ट करेंगे, यहाँ से ऐसे ये थ्री का टू और टू का वन, ये हमारा डबल स्टिच है। ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से ऐसे और चेन में लेना है, थ्रेड को आगे लेना है, एक नया स्टिच बनाना है, थ्री का टू करना है और टू का वन करना है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए ये डबल स्टिच लगाने से हमारा ऐसे बनता जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, आप जब भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे ये डबल स्टिच का ही ज्यादातर यूज होता है। मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करवा देती हूँ। ये हमारे पास सिंगल स्टिच है, थ्रेड को आगे लेके आना है और यहाँ से ये हमारे टू हो गए, चेन में इंसर्ट करना है क्रोशे को, देन हमने यहाँ से ऐसे टर्न करना है और ये हमारे पास थ्री हो गए, थ्री के टू और टू का वन। ओके फ्रेंड्स, लास्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ से चेन के अंदर इंसर्ट करेंगे क्रोशे को, देन नया स्टिच लेंगे, थ्री के टू और टू का वन। जैसे अभी हमारा यहाँ से ये लाइन जो है कंप्लीट हो गई है, अभी हमने यहाँ से टर्न करना है। टर्न करने के लिए ये जैसे हमने ये सिंगल स्टिच है, एक स्टिच एक्स्ट्रा लेना है, ये एक्स्ट्रा ले लिया है, अभी हम इसको ऐसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फिर से अगेन हम वैसे ही करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास ये जो जहाँ पे हमने क्रोशिया इंसर्ट करना है उसके होल जो है बिल्कुल क्लियर बन जाते हैं,
ये देखिए बिल्कुल साफ पता चल रहे हैं कि कहाँ पे हैं होल। अभी हमने यहाँ पे कदोशिया इंसर्ट करना है। अगेन हम ऐसे ही करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे। ये हमारा सिंगल है, यहाँ से कदोशिये को ऐसे घुमाना है और थ्रेड को फ्रंट से पीछे खींच लेना है। ये हमारा होल बना हुआ है, हमने इसमें क्रोशिया इंसर्ट करना है। देन क्रोशिया का फेस अपनी साइड रखना है, थ्रेड को फ्रंट में लेके आना है और ऐसे बाहर निकाल लेंगे। देन ये थ्री है, थ्री के टू और टू का वन। अगेन हम वैसे ही करेंगे, थ्रेड को आगे लेके आएंगे, यहाँ पे होल में इंसर्ट करेंगे, क्रोशिये का फेस अपनी साइड रखेंगे, फिर से थ्रेड को आगे लेके आएंगे और ऐसे कर लेंगे। ये हमारे पास थ्री है, थ्री का टू और टू का वन। ऐसे ही करते हुए हम अपनी जो सेकंड रो है इसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ से ये मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, देन यहाँ से ऐसे लिया और टू का थ्री का टू और टू का वन। और लास्ट में हम एक स्टिच जो है टर्न करने के लिए एक्स्ट्रा ले लेंगे, देन फिर हम यहाँ से टर्न करेंगे। जैसे हमने सेकंड दो कंटिन्यू की है वैसे ही हम थर्ड दो करेंगे। मैं आपको फिर से डिवाइड करवा देती हूँ। यहाँ से ऐसे टर्न करेंगे, फ्रंट में थ्रेड को ला के पीछे खींच लेंगे, फर्स्ट वाला छोड़ देंगे और यहाँ पे सेकंड होल में हम ये क्रोशिया डालेंगे। अगेन ऐसे कंटिन्यू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हम एंड में पहुंच चुके हैं। ये लास्ट वाला स्टिच ऐसे ले लेंगे, एक स्टिच एक्स्ट्रा लेंगे, देन यहाँ से टर्न करेंगे। अभी आप देख सकते हो कि ये मैंने ऐसे बना लिया है। ये हमारी फोर्थ जो है दो है। मैं आपको एक बार से फिर से डिवाइड करवा दी हूँ। ऐसे थ्रेड को लेंगे, क्रोशिये के फ्रंट से बैक में लेंगे, फर्स्ट वाले छोड़ देंगे होल, देन सेकंड वाले में इंसर्ट करेंगे। यहाँ हमारे पास थ्री बन गए हैं, थ्री का टू बनाएंगे और टू का वन बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे। साथ में ही मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि सिंगल स्टिच और डबल स्टिच में क्या फर्क होता है। जब हमने ये थ्रेड को बिना ऐसे घुमाए, जैसे अभी मैं घुमा के बता रही हूँ, अगर ऐसे बिना घुमाए हमने अगर इसको सीधा ही ऐसे इंसर्ट कर दिया तो इसको बोलते हैं हमारा ये सिंगल स्टिच। और अगर हम ये थ्रेड को घुमा के क्रोशिये के ऐसे इसके क्रोशिये के ऊपर से घुमा के देन उसके बाद इसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो ये हमारा हो जाता है डबल स्टिच। अगेन बता देती हूँ, अगर हम क्रोशिये को सीधा पहले यहाँ से सिंगल से ऐसे अंदर इंसर्ट करते हैं और ऐसे टू और टू का वन बना लेते हैं तो इसको बोलते हैं सिंगल स्टिच। लेकिन अगर हम इस थ्रेड को क्रोशिये के ऊपर से घुमा के
उसके बाद इसमें इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे 3 बन जाते हैं, 3 का 2 और 2 का 1 बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं डबल स्टिच। ज्यादातर क्रोशे में डबल स्टिच का ही यूज होता है। आप कोई भी डिजाइन वगैरह बनाओगे तो ज्यादातर हमारे इसी स्टिच का यूज होता है। तो ये हमने आज आपको डबल स्टिच कैसे लेते हैं वो बता दिया है। पार्ट 1 में हमने आपको सिंगल स्टिच के बारे में बताया था और अभी पार्ट 3 है। पार्ट 3 में मैंने आपको डबल स्टिच कैसे लेते हैं उसके बारे में बताया है और पार्ट 2 में मैंने आपको सिंगल स्टिच से रिलेटेड एक पाउच बना के दिखाया है। आप चाहे तो मेरी फर्स्ट और सेकंड पार्ट की वीडियो देख सकते हो। अभी जैसे ये हमारा ये कंप्लीट हो गया है, इसमें से ये सिंगल लेंगे और इसको ऐसे थ्रेड को बाहर ऐसे पकड़ लेंगे। अभी कटर की हेल्प से ये थ्रेड को कट करेंगे और ये वाला जो है हमारा थ्रेड इसको ऐसे बाहर खींच लेंगे, इसको ऐसे टाइट करेंगे और ये हमारा जो है छोटा सा पैटर्न जो है रेडी हो गया है डबल स्टिच का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डबल स्टिच से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगी। अभी आपने मेरी फर्स्ट पार्ट में सिंगल स्टिच और डबल स्टिच दोनों ही बनाने सीख लिए हैं। अभी जैसे ये थ्रेड है इसको कैसे हाइड करते हैं मैं आपको ये भी बता देती हूँ। इसको बिल्कुल इसके पास से कट नहीं करना होता, वरना जब आप वॉश करते हो तो ये दोबारा खुल जाती है नोट वगैरह, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ये जो थ्रेड होता है इसको नीडल की हेल्प से हाइड करते हैं। जैसे ये मैंने ये नीडल ले ली है, ओके फ्रेंड्स, जैसे अभी ये नीडल में हमने थ्रेड डाल लिया है, यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे हल्के हल्के जो है हम ये ऐसे उठाएंगे, और यहाँ से थ्रेड को कट करेंगे। अभी हमारा ये जो थ्रेड है वो हाइड हो गया है। ये हमारी डबल स्टिच की वीडियो है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो ऐसी और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।